टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली आर पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद कब इन्हें यूज किया जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस इन डेप्थ। ये वीडियो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, वॉच इट टिल द एंड एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रामर एंड मोस्टली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एग्जाम्स और टेस्ट में पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई सब्सक्राइबर्स। येट्स इट्स अ ट्रूथ बिकॉज योर सपोर्ट एंड कॉमेंट्स मोटिवेट्स मी अलॉट। इफ यू हैवन सब्सक्राइब येट सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू गेट रेगुलर अपडेट्स। कम बैक टू आवर एग्जाम्पल, आई इज द सब्जेक्ट, वट इज द एक्शन परफॉर्मिंग हेयर? कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस एग्जाम्पल में? इट्स लव। लव जो है वो एक्शन है, वर्ब है। हु इज रिसीविंग द एक्शन? कौन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है? वो है माय सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और एक्शन क्या है? लव। और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? माय सब्सक्राइबर, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। लेट्स लुक इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यूज टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंस एन एक्शन रादर देन द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट। ऑर्डर इज रिवर्स्ड हियर। पैसिव वॉइस जो है उसमें ये होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, या फिर जो एक्शन रिसीव कर रहा है उस पर फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए। यहाँ पर जो है अपोजिट हो जाता है बेसिकली। एक्टिव वॉइस में हम फोकस कर रहे होते हैं सब्जेक्ट पर, और पैसिव वॉइस में हम फोकस कर रहे होते हैं रिसीवर पर, जो एक्शन रिसीव कर रहा है बेसिकली ऑब्जेक्ट पर। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास सेम सेंटेंस है जो कि हमने पहले देखा था, आई लव माई सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर आई जो था वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था, और हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और बाय की एडिशन हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई लव माई सब्सक्राइबर को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी लाइक माई सब्सक्राइबर्स आर लव्ड बाई मी। माई सब्सक्राइबर जो है वो ऑब्जेक्ट है, लव्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मी इज द सब्जेक्ट। माई सब्सक्राइबर्स आर रिसीविंग द एक्शन ऑफ लव बाई मी। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट द डिफरेंस एंड जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर बिटवीन द टू। नोट दैट बोथ द सेंटेंस आई लव माई सब्सक्राइबर एंड माई सब्सक्राइबर आर लव्ड बाई मी एग्जैक्टली सेम इन द मीनिंग। अब आप सोचेंगे कि दोनों है तो आइडेंटिकल मीनिंग में, तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? जनरली जो है वो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हम पैसिव वॉइस को यूज़ कब करते हैं, इसकी नीड क्यों होती है? देर आर टू मेन केसेस टू यूज़ पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज़ व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल। जब आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में, तब आप यूज़ करते हो पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, Fahad's wallet was stolen. Wallet is the object. It was stolen. But we don't know by whom. हमें ये तो पता है कि object wallet है, लेकिन wallet किसने चुराया हमें ये नहीं पता। तो हमें subject यहाँ पर नहीं पता। We don't know the subject here, but we have used passive voice. Let's see another example. All the cookies have been eaten. Here also we are not aware about the subject, that is who ate the cookies. इस sentence में भी हमें ये नहीं पता कि cookies किसने खाई, subject हमारे पास नहीं है, लेकिन eaten लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर object मौजूद है। You can use passive voice. पहला यूज तो ये था passive voice का कि जब हमारे पास subject नहीं होता तब हम passive voice का use करते हैं।
सेकेंड ये है कि वेन यू वॉन्ट टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द एक्शन रैदर देन द सब्जेक्ट हु परफॉर्म्स द एक्शन, जब आप सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाए, तब पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोलर प्लांट विल बिल्ट इन नारोवाल. हेयर वी आर गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू द सोलर प्लांट बींग बिल्ट and least concerned about the person who are building it. हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन उसे बिल्ड कर रहा है, लेकिन हम किस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सोलर प्लांट पर. Another example, the road is being repaired. Here also we are not interested in with repairing the road. इस एग्जाम्पल में भी रोड के रिपेयरिंग से कोई हमें लेना देना नहीं है. हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड इन द रिपेयर एक्टिविटी. हम रोड पर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि रोड रिपेयर होना चाहिए, लेकिन रोड किस तरीके से रिपेयर हो उस चीज़ में हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे. तो हम ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, रोड पर. सो दीज आर द मेन केसेज वेयर यू कैन यूज़ पैसिव वॉइस. दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.